राजनीति महत्वाकांक्षा का खेल है। इसी महत्वाकांक्षा के कारण छोटे राजनेता बड़े राजनेता की गणेश परिक्रमा करते हैं। इसी तहत आज जो खबर सामने आ रही है वो प्रिंस राज विनोद तावड़े जी से मुलाकात करते हैं। वह अपनी तस्वीर, मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल साइट पर डालते हैं। क्या इस मुलाकात के और भी कोई मायने हैं? क्या वो बिहार की राजनीति में भाजपा के द्वारा सक्रिय होना चाहते हैं, या वो विनोद तावड़े से अपनी राजनीतिक गुंजाइश की चर्चा करना चाहते हैं? क्या उनसे मुलाकात के मायने हैं? हम अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा से समझते हैं। आशुतोष जी, देखिए सबसे पहले तो हम वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिसमें वो मुलाकात कर रहे, एक तस्वीर में बैठकर दोनों बातें कर रहे हैं और एक तस्वीर में गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं प्रिंस राज। और जो सोशल मीडिया पर उन्होंने जो पोस्ट किया है, ये तस्वीर जो साझा की है, उसमें उन्होंने उसके ऊपर जो लिखा है वो लिखा है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रभारी बिहार प्रदेश आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी से सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात किए एवं होली रंगोत्सव की बधाई एवं शुभकामना दिए। ये उनकी लाइन है। अब इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है ये भी समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। वजह ये हो सकती है कि अभी तक चिराग पासवान के खाते में जो 5 सीट गई है उनमें से समस्तीपुर, वैशाली और खगड़िया, इन तीनों सीटों पर अभी तक चिराग पासवान ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं किए हैं। समस्तीपुर से सांसद हैं प्रिंस राज। हो सकता है इस मुलाकात के पीछे की वजह हो सकती है कि शायद प्रिंस राज बीजेपी के जरिए चिराग पासवान से संवाद करके अपने लिए समस्तीपुर सीट चाह रहे हो, तो बीजेपी की तरफ से मध्यस्थता विनोद तावड़े करें और चिराग पासवान से इसलिए बात करें, तो हो सकता है कि इससे संबंधित कुछ बातचीत हुई होगी। अगर चिराग पासवान किसी भी सूरत में इसलिए तैयार नहीं होते हैं, छुट्टी पार्टी और परिवार तोड़ने वालों के लिए कहा जा रहा है उनके नेताओं से बातचीत करने पर, उनकी पार्टी के लोगों से बातचीत करने पर, कि वो अभी भी नरम नहीं है उन लोगों के लिए, अभी भी उन लोगों को माफ नहीं किया है उन्होंने, तो ऐसी सूरत में अगर प्रिंस राज को चिराग पासवान तमाम जद्दोजहद के बावजूद, कोशिश के बावजूद, बीजेपी की पहल के बाद भी अगर टिकट नहीं देते हैं, तो भी एक संभावना ये भी हो सकती है कि बीजेपी में शामिल हो जाएं प्रिंस राज। इस पर भी बातचीत हो सकती है, चूंकि प्रिंस राज अभी बेहद युवा हैं और पहली दफा ही वो सांसद पहुंचे थे, सांसद बनकर के सदन में पहुंचे थे। तो अभी आने वाले दिनों में बहुत 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, उसके बाद बहुत बीजेपी के साथ अगर वो आ जाते हैं तो कई दरवाजे उनके लिए खुल सकते हैं और बीजेपी चाहेगी तो कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर भी सकती है। अब रही बात तीसरा, ये है कि बीजेपी से अलग मुलाकात कर रहे हैं प्रिंस राज, तो क्या बीजेपी के लगातार कॉन्टेक्ट में है? क्या RLJP को जो सीटें नहीं दी गई थी एक भी सीट, तो जो पशुपति पारस का जो स्टेटमेंट था वो सिर्फ पशुपति पारस का इंडिविजुअल स्टेटमेंट था, उसमें प्रिंस राज शामिल नहीं थे। जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया मंत्री परिषद से, मोदी कैबिनेट से, उस वक्त प्रिंस राज नहीं थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम पशुपति पारस यानी चाचा के साथ नहीं है बल्कि बीजेपी की विचारधारा या बीजेपी के साथ ही है, तो बीजेपी को ओबलाइज करने की कोशिश हो। और वैसे भी खबर ये आ रही थी कि बीजेपी के अगेंस्ट में, NDA के अगेंस्ट में बात बनने पर भी प्रिंस राज चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं समस्तीपुर से, मतलब बीजेपी के विरुद्ध में। तो ये समझा जा सकता है कि प्रिंस राज भी अपना फ्यूचर अगर देख पा रहे हैं तो वो बीजेपी में ही देख पा रहे हैं और इसी वजह से कोई दूसरी तरह का स्टेप या संभावना नहीं तलाश रहे हैं जो इन दिनों पशुपति पारस की तरफ से तलाशे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट के लिए लालू यादव के साथ से भी अप्रोच किया, कांग्रेस से भी अप्रोच किया, लेकिन कहीं से भी बात नहीं बनी। सब जगह से कहा जा रहा है कि आप अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए, जिसके लिए पशुपति पारस तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आज भी वो डिलीमा की स्थिति में है, दुविधा की स्थिति में, असमंजस में है,
कि करे तो क्या करे। वैसे इस बीच में एक खबर ये भी आ रही है कि पार्टी और परिवार को एक करने की कोशिश में भी बीजेपी लगी हुई है, तो ये मुलाकात उसको लेकर भी हो सकती है, बात आगे कहां तक बढ़ी है इस बारे में भी बातचीत हो सकती है। क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों से, और एक बीजेपी नेता है उनका पोस्ट भी आया था उसके बाद से, या फिर आरएलजेपी के जो प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनसे जो बातचीत करने पर भी पता चला कि बीजेपी या पार्टी चीजों पर एकदम नरम पड़ रही है आरएलजेपी, यानी सरेंडर की मुद्रा में है, और वो लोग भी चाहते हैं कि किसी तरीके से पार्टी और परिवार एक हो जाए। इससे होगा क्या कि चिराग पासवान को वो पुराना सिंबल भी मिल सकता है जो बंगला छाप था रामविलास पासवान ने, किसने जब पार्टी बनाई थी तब जो चुनाव चिन्ह था वो मिल सकता है। तो ये तमाम चीजें चल रही है अंदर खाने, संभावनाएं तलाशी जा रही है, मुलाकात अहम मानी जा रही है, लेकिन सब कुछ पर डिपेंड करता है चिराग पासवान क्या करते हैं। क्या चिराग पासवान बीजेपी की पहल को स्वीकार करते हैं, अपने भाई प्रिंस राज को माफ करते हैं समस्तीपुर से, माफ करने के बाद क्या टिकट देते हैं, या फिर बाद के लिए भरोसा दिलाया जाता है, ये सब कुछ चिराग पासवान के फैसले के बाद पता चलेगा। वैसे खबर ये भी है कि आज होली मिलन समारोह के दौरान चिराग पासवान के साथ होली खेलने खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर और वैशाली की सांसद बीना देवी पहुंची थी, तो इन दोनों से भी पूछा गया तो इन दोनों ने भी संभावना जताई या उम्मीद की कि चिराग पासवान टिकट देते हैं तो जरूर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। और जिस तरीके से लगातार नजदीकियां बढ़ती जा रही है इन लोगों की, तो ये कहा जा सकता है कि ये लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, हर वो कोशिश कर रहे हैं जो उनको टिकट चिराग पासवान दे दें इसके लिए, मतलब उनको अबलाइज करने की। तो ये सारी चीजें चल रही है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि प्रिंस राज का स्टैंड अपने चाचा पशुपति पारस से फिलहाल अलग दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी जी जी, तो कल तक चाचा के साथ मजबूत समझ रहे प्रिंस राज को चिराग के एक राजनीतिक दांव ने चित्त कर दिया है, राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है। फिल वक्त इनके लिए यह कथन समीचीन प्रतीत होता है कि घर से बेघर कर गई करवटे नसीब की, दूर कितनी हो गई मंजिल करीब की। बहुत बहुत धन्यवाद।